Hello students, and hello everybody. Today we are doing optical instrument part 2. In the last lecture, which was lecture number 14, जिसमें हम लोगों ने magnifying power के बारे में पढ़ा, simple microscope के बारे में पढ़ा. We come to know how angular magnification is magnifying power and how that magnifying power is equal to, in what case it becomes linear magnification में lateral magnification के बराबर होता है. These things we have to study. We have already done. And compound microscope का हम लोगों ने infinite adjustment यानी कि जब final image हम infinity भी बनाते हैं, that part we have done. तो अब हम लोग आगे चलते हैं compound microscope का जो दूसरा case है, जिसको हम लोग near point adjustment या LDV adjustment कहते हैं. हमें वो करना है और फिर हमें telescopes करने हैं. So that's what we have to do. So I'll take you directly. तो आज के इस lecture में I said compound microscope का जो दूसरा पार्ट है एलडीटीवी एडजस्टमेंट या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की बात करेंगे. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के दोनों एडजस्टमेंट हमें करने हैं. एंड अगर लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो पाया यानी कि जल्दी खत्म हो गया तो हम लोग गैलीलियो टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ कैसेग्रेन टेलीस्कोप के बारे में भी बात करेंगे. सो दैट विल बी द टॉपिक. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड डू व्हाट वी हैव टू go for it. Like, so this is compound microscope we are doing here. Compound microscope. Compound microscope. And this compound microscope तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, बट इसमें हम लोग एक अलग तरीके के एडजस्टमेंट करके और फिर उसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे. तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमारा ये आई पीस है. तो अगर मैं इस जगह पे सपोज इस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है, अगर मैं एंड यू नो लाइक इसका फोकल लेंथ हम लोगों ने इसका अपर्चर छोटा रखा है, इसका अपर्चर बड़ा रखा है, और हमें इस बार क्या करना है कि हमारे फाइनल इमेज जो है यानी कि एल डी डी वी या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं. तो इसके अंदर राइट नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कर रहे हम लोग. वी आर डूइंग नियर पॉइंट एडजस्टमेंट. सो नाउ दिस एलईडी एडजस्टमेंट हमें करना है. तो हमने यहाँ पे ये लेंस के सामने यानी कि इसका जो फोकल लेंथ है, ये सब तो मैं लेक्चर में बता ही रखा है, क्योंकि हमें इससे मैग्निफिकेशन चाहिए और इसके मैग्निफाइड जो इससे इमेज बनेगा, फिर हम दूसरे लेंस से उसका मैग्निफिकेशन करेंगे. तो हमने ऑब्जेक्टिव के सामने उसके फोकस के ठीक बाहर एक ऑब्जेक्ट रखा, जितना फोकस के पास रखेंगे उतना बड़ा ये इमेज बनाएगा, बट इसके सेंटर और फोकस के बीच में नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसे रखने पर इधर वर्चुअल इमेज बनता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था. तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा और फिर उसका ये इमेज बन गया जी. सो इफ वी गो फॉर इट्स लाइक नेमिंग, लाइक वी नो दिस इज एफ, दिस इज एफ वन, दिस इज एफ वन, दिस इज टू एफ वन, दिस इज एफ टू, दिस इज टू एफ टू, ठीक है. एंड हियर द ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ए डैश बी डैश हमें यहाँ पे ए डैश बी डैश हमें इमेज मिला है. Now, this lens should be placed in such a way that the lens से इस object, I mean जो इसका image है, जो कि इसके लिए object होगा, इस lens से जो ये object की जो दूरी है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये lens इसका image, क्योंकि eye हमारा इस side में रहना है, eye we have to place this side, so let's make this eye, suppose करो ये हमारा eye है, this is eye, और यहाँ पे राइट दिस इज आई एंड ठीक है जी, दिस इज आई एंड दिस इज ठीक है जी. अब इस आई से हम लोग ये हमने आई ले लिया, इस आई से ये आई लेंस के बहुत पास होना चाहिए. तो वी आर सेइंग दैट कि लेंस के इस साइड में आई है और हमें इमेज इसका बनाना है कहाँ पे,
लेंस से 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि लेंस आई के पास है, तो जो आई से 25 सेंटीमीटर होगा वही डिस्टेंस लेंस लेंस से होगा। सो अब आपको इस केस में क्या करना है, ऑब्वियसली इस लेंस का जो सेंटर होगा और जो इसका फोकस होगा, यानी कि उसका जो सेकेंड फोकस होगा, वो सेकेंड फोकस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको जिधर इस लेंस के लिए जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज आपको बनाना है। सो इन दैट सिचुएशन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट कि इसका डिस्टेंस इस लेंस के बहुत जिस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। तो हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने इस लेंस को उठाया, हमने इस लेंस को उठाया और ये लेंस को, इस लेंस को थोड़ा, इस लेंस को थोड़ा इधर रख दिया, ऐसे रख लिया या थोड़ा इधर कर दिया, सपोज कुछ इस तरीके से हमने मैनेज किया ताकि मतलब इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि भाई ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इफ यू रिमेम्बर मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये बताया, बताइए जैसे आई हैव स्पोकन अबाउट इट, लाइक ये एडजस्टमेंट आपको आपके पास करने का, लाइक this we can ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। फिर यहाँ पे लाइक दिस, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देख बनाया हुआ देखा है आपने, राइट और ये सारे सेटअप कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनको ये इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, मतलब हम इसको व्हाट आई मीन टू से इज You want is ये shift हो सकता है, something like this, that's what we have told. तो ये एक दूसरे के ऊपर सेटिंग करते हैं, यानी कि अगर आपने इस लेंस को पकड़ा, इस लेंस को पकड़ा आपने और अगर आपने इस लेंस को पकड़ा, एक मिनट, आपने इस लेंस को लिया और इधर लेके गए सपोज ऐसे किए, तो यानी कि ये चीज कहाँ से मूव गई, ये चीज कहाँ से मूव कर गई, समथिंग like this, ठीक है, that's what. तो हम अपनी आँख के पोजिशन को भी क्या करेंगे, थोड़ा इधर मूव कर लेंगे, that's what the point is. So, I hope you have got my point. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लेंस की पोजिशन कुछ इस तरीके से रखी है, लेंस की पोजिशन हमने कुछ इस तरीके से रखी है कि ओके इट इज क्रिएटिंग ट्रबल, सो इसकी पोजिशन कुछ इस तरीके से रखी है ताकि ये जो लेंस है हमारा और इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि जो कि इसका इमेज है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसका फाइनल इमेज इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, दैट इज 2f के डिस्टेंस पे बने। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का हम लोग यहाँ पे कहीं पे, लेट सपोज ये जगह हमने मान लिया, लेट्स टॉक दिस वे, ये पोजीशन हमने मान ली, बोले कि ये जो लेंस है, इस लेंस का ये f2e है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि देखो जी ये ऑब्जेक्टिव है, तो एफ वन ओ और टू एफ वन ओ लिख सकते थे, ये एफ टू ओ और टू एफ टू लिख सकते, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये लेंस टू है, इस लेंस का एफ टू ई इधर है और इधर कहीं पे, भाई जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहाँ पे एफ वन ई होगा, दैट विल बी एफ वन ई होगा यहाँ पे। तो यस आई पीस का फोकल लेंथ इधर, फर्स्ट फोकस इधर, सेकेंड फोकस इधर। तो अब इस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी पोजिशनिंग ऐसी कर दी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमने एक यहाँ पे देखो क्या किया, इससे एक लाइट रे ऐसे डाला ताकि इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, यानी कि दिस लाइट, यहाँ से एक लाइट रे गई इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इसके यहाँ पे पूरी, समथिंग लाइक दिस। चलो भाई एक लाइट रे हमने कंसिडर किया, ये लाइट रे यहाँ से लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इसके यहाँ पे पड़े, ठीक है ना, लेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधे ऐसे आँख पे पड़ेगी। फिर हम इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये लाइट कैसे जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना, इसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया। नाउ वी आर सेइंग दैट लेट सपोज अगर मैं दूसरा रे लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर ये समझना है, ये मैंने क्या किया कि अगर दूसरा रे मैं ऐसे लेता हूँ, बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फिर ये फोकस से गया, फिर मैं उसको पीछे करूँगा तो ये मीट ही नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको थोड़ा दिमाग लगाया, मुझे लगे ओके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाता यहाँ पे, राइट ऐसे, तो फोकस होके जाता। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से भी इंक्लाइंड हो गया तो उसको और ज्यादा रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाना है, आई पे जाना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई विल टेक दिस, ठीक है ना, इसको भी यहीं पे छोड़ रहा हूँ और फिर इसको मैनिपुलेट करूँगा मैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने यहाँ से दूसरा ऐसे, ये देखो
वॉट आई हैव डन इट, ये कुछ इस तरीके से दिखाया। और देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेट्स सी। आई मीन मैं ये चाहता था कि आप ये देखें कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, ये कैसे बनाया मैं। लेट्स सी दिस पॉइंट, ठीक है जी। तो व्हाट वी से दैट, ये इसका इमेज है। इससे एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई बिना रिफ्रैक्ट, आई मीन बिना अपने पास से डेविएट हुए इस आई के ऊपर इंसिडेंट की, और दूसरी लाइट रे जो ऐसे गई वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और मुड़ी और रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर के आई पे गई। तो आई को ये रे और ये रे मिल रहा है, और आंख को ये लग रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड ये जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज है, इसका हमने यहाँ पे फाइनल इमेज बना लिया। दिस इज आवर फाइनल इमेज एट दिस पर्टिकुलर, लाइक दिस। ये हमें फाइनल इमेज इस जगह पे मिल गई। सो लुक हियर, एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन हियर कंसिडरिंग ये वाला, लेट्स यूज सम अदर कलर टू शो इट। ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ वाला, मतलब ये जो पोजिशन बनी है इमेज की, और लाइक दिस लेंस से ये दूरी, दिस इज डी, ये हमारा डी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर है ऐसे। तो हमने इसका एलईडी भी एडजस्टमेंट बना दिया। सो अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ रखा, तो उसका यहाँ इमेज बना। इमेज कैसा बना, ये मैग्नीफाइड बना। इस मैग्नीफाइड इमेज को हमने इस लेंस से कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि इसका डिस्टेंस ऐसा हो कि इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज इरेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में वो इरेक्ट यहाँ पे बन जाए और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। आई होप यू गॉट माय पॉइंट राइट। सो नाउ ये सेटअप तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यूज हमने ले लिया। लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज, यानी कि यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है, इसको हमने u मान लिया और इसको यू ई लिखा। What we are writing U E, मतलब आई पी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑल राइट। और ये जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, मीन्स इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है राइट, इसको हम लोगों ने यू ओ लिखा, दैट यू ओ। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है हमारा, मीन्स दिस वन, इसको हमने VO लिखा, व्हाट इज दैट VO। सो दिस इज VO, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और इसको हमने लिखा UO, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज UO, दिस इज VO, दिस इज UE, एंड दिस इज व्हाट VE, IPC। समझ गए हो गए आप, करेक्ट। रे डायग्राम भी समझ में आ गया। तो मैं इसके ऊपर एक एरो डाल देता हूँ कि देखो ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, कुछ इस तरीके से, और लाइक दिस इज हाउ दिस इमेज हैज बीन बिल्ट अप, इमेज हैज बीन मेड। नाउ द पॉइंट इज कि ये एडजस्टमेंट आपके सामने, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई एरर नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर कैसे पढ़ेंगे। जैसे जब हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट किया तो उसका मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन पढ़ा था, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे करेंगे। सो वी आर सेइंग दैट कि अगर ये जो मैंने इस जगह पे बनाया ना, इसको थोड़ा सा ऐसे रख दे, इस तरीके यहाँ दिखा दें, पता चलेगा कि ये डिस्टेंस है, और ऐसा करने के पीछे एक रीजन है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज वी, दिस इज वीओ। नाउ ठीक है, ये वीओ डिस्टेंस ऐसे दिखा रही है, ये वो है। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि अब मैं यहाँ पे, हमें बनाना क्या है, हमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है। सो नाउ वी आर सेइंग दैट कि अगर ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था कि ये इमेज बने, लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट, ये सारा सेटअप नहीं होता,
सॉल सेटअप इज नॉट देयर, और इसी ऑब्जेक्ट का आपने इमेज बनाया ना भाई यहाँ पे। सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट जो है जितने साइज का है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता, ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता 25 की दूरी पे, यानी कि आईपीस से जो दूरी है इसकी, यहाँ होता सेम साइज का, और तब ये हमारे आंख पे जो एंगल बनाता, हमारे आंख पे जो ये एंगल बनाता वो क्या होता, समथिंग लाइक दिस, ये वाला एंगल होता। और इस एंगल को, यानी कि जब वो यहां होता, जब ये सो यू आर गेटिंग माई व्हाट आई एम सेइंग, यस। तो मैंने क्या किया कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो हमारे आंख पे, यानी कि हमारा आई आई पीस के पास है, तो अगर ये सारा तामझाम नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता, मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ इस रे का लाइक दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये हमारे पास होता समथिंग लाइक दिस, है ना, कि ये पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ होता, तो ये जो एंगल बनता हमारे पास, दिस एंगल कुड हैव बीन, ये जो एंगल है हमारा अल्फा होता। अगर ये सारा सेटअप नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का हमने इतना बड़ा इमेज बना दिया इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, अगर ये सब कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते, तो ये एंगल क्या होता, हमारा अल्फा होता। तो ये ए भी था, अब हमने इसको रख दिया कि अगर, और यहाँ पे ए डैश बी डैश है, और इसका यहाँ पे हमने ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनाया, लेट सपोज ए डबल डैश ओ कर दिया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए डबल डैश ओ होता, और हमारे आई से, हमारे आई से कितनी दूरी पे होता, हमारे आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता, तो ये एंगल कितना बनाता हमारे पास, अल्फा बनाता। इस अल्फा को हम लोग कंसिडर करेंगे, और फिर फाइनल इमेज ने जो हमारे पास एंगल बनाया, दैट एंगल इज हाउ मच, इट इज बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन कैसे बनेगा, नाउ मैग्नीफाइंग पावर विल बी डिफाइंड लाइक दिस, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। So this will be defined as, this defined as ratio of angle subtended by image to the angle subtended by object whose angle subtended by object at I, when image and object both are at near point, that is at least distance of distinct region that is D equal to 25 centimeters. That's what the point is. तो ये जो हमारे पास define हुआ, तो यानी कि 25 पे इमेज बनाया, बीटा एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख के यहाँ बनाया, फिर इसका इमेज यहाँ बनाया, हम अगर ये ताम झाम हटा देते, ऑब्जेक्ट सीधा रखते, तो हम पे ये एंगल अल्फा बना था। सो भाई जो हमने ये लिखा है, दिस ऑल इम्प्लाइज यू व्हाट, एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, एंड बीटा बाय अल्फा ये हमारे पास हो, ये हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है, और इसी को हम मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट, कि भाई उसकी वैल्यू क्या होगी। So how to find expression for this? So now expression for magnifying power. Expression for
मैग्नीफाइंग पावर. सो नाउ वी आर सेइंग दैट कि हमें मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन चाहिए. ठीक है जी, इस केस में तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बाय रे डायग्राम. रे डायग्राम व्हाट एम इज इक्वल टू दिस बीटा बाय अल्फा एंड, ठीक है जी, एंड सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, तो फिर हम इस एम को क्या लिख सकते हैं, एन बीटा अपॉन एन अल्फा. ठीक है जी, दिस इज तो दिस एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. अब इस टेन बीटा और टेन अल्फा की हमें वैल्यू चाहिए, कैसे लिखेंगे. तो टेन बीटा कैन बी रिटन एज, या तो आप ए डैश बी डैश, और यू नो जैसे कि आपने पीछे देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं और यहाँ सी डैश लिखते हैं. तो आप ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश से टेन बीटा लिख लो, या बड़े वाले से लिख लो, जैसे भी लिख लो. टेन बीटा के लिए आपके पास ये ट्रायंगल है, और टेन अल्फा के लिए आपके पास एक ही ट्रायंगल है, ए डबल डैश ओ अपॉन ए सी डैश. सो टेन बीटा के लिए आपके पास ऑप्शन है और टेन अल्फा के लिए ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका लिख सकते हैं. नाउ टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश ओ अपॉन ए डबल डैश सी डैश, करेक्ट, वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव डन. ओके, ए डबल डैश सी डैश लाइक दिस. और फिर हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये ए बी अपॉन ए सी डैश आ जाएगा, तो इससे बेहतर ये प्रीफर करेंगे, कम से कम ए डबल डैश सी डैश वाला मसला खत्म हो जाएगा. उस मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते हो, मतलब ऐसा कोई मसला वो नहीं है. आपका दिल करे तो आप लिखो कि ओके ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय व्हाट ए डैश सी डैश, ऐसे लिख दो. ये टेन बीटा लिख लिया, ठीक है ना, ये कौन से ट्रेंगल से लिया, ये कौन से ट्रेंगल से लिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको पता है यहाँ पे ट्रेंगल कौन है, ओ ए डैश सी डैश, ये कहाँ से लिया, ट्रेंगल ट्रेंगल ओ ए डैश ए डबल डैश सी डैश से, ये ट्रेंगल से लिया. और ये कैसे लिया आपने, दिस यू हैव टेकन बी डैश ए डैश सी डैश ट्रेंगल्स, है ना, ये इस ट्रेंगल से लिया. ये सब ना जब आप लिखोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इन इन दिस सेट एंगल टेन बीटा इज दिस, इन दिस ट्रेंगल टेन अल्फा इज दिस, ऐसे लिख दिया आपने. तो आपके पास ये एम आया क्या, सो इट इज ए डैश बी डैश लिखा अपॉन ए डैश सी डैश लिख दिया, एंड देन ए डबल डैश सी डैश लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए डबल डैश ओ डैश हो गया, ओ हो गया, दैट्स व्हाट पॉइंट इज. ठीक है जी, ओके ए डबल डैश ओ हो गया, दैट्स करेक्ट, वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि भाई वी नो दैट, वी नो दैट, कैसे भी लिख सकते थे, वी नो दैट ए डबल डैश ओ इज इक्वल टू ए बी. तो आपके पास ये एम क्या आ गया, ए डैश बी डैश आ गया और अपॉन ए बी आ गया, और यहाँ क्या हो गया, ए डबल डैश सी डैश आ गया अपॉन ए डैश सी डैश आ गया, दैट्स व्हाट हैज कम. अब ए डैश सी डैश, और मतलब हमने ये लिख दिया. अब देखो यहाँ पे क्या करें कि सिंस पहले एक सेपरेशन बनाया जाए, ठीक है जी, तो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक एट दिस, यहाँ तक तो लिखा लिखा. अब हमने लिखा कि इन ट्रायंगल, लाइक अगर आप देखें ये जो आपका बी डैश ए डैश सी डैश ट्रायंगल है और बी डबल डैश ए डबल डैश सी डबल डैश ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिंस ट्रायंगल बी डबल डैश ए डबल डैश सी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी डैश, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, बी डबल डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, है ना, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा करने में. और फ्रॉम हियर कि अगर आप ए डैश सी डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश कर देते हो, यानी इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लिखो, या उल्टा कर दो आप ए डबल डैश सी डैश और यहाँ से ऐसे लिख लो, ए डैश सी डैश कर दो, ए डबल डैश सी डैश अपॉन ए डैश सी डैश करो, तो ये क्या है, बी डबल डैश ए डैश
अपॉन बी डैश ए डैश कर दोगे आप, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपके पास क्या हो गया, देयरफॉर एम इज इक्वल टू व्हाट नाउ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और इसको देखो तो आपने क्या लिख दिया, लिख दिया बी डबल डैश ए डबल डैश अपॉन ए, बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश एक ही बात। दिस इज व्हाट यू हैव रिटन, राइट। नाउ बच्चा इफ यू लुक एट दिस व्हाट इज इट, ए डैश बी डैश, यानी कि ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसका, ऑब्जेक्टिव का। और ये क्या है, आई पीस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई पीस के लिए ये क्या है, इमेज है। सो दिस एंड दिस, ये जो दोनों बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो ये बन के आया और ये जो बन के आया, ये क्या है भाई। मैंने कहा कि दिस आर, इफ यू लुक इट वेरी केयरफुली, अगर आप इसको बहुत ध्यान दें तो आपको ये पता चल गया कि सर ये है एम ओ और ये है एम ई, है ना। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, ठीक है ना। आपको याद होगा जब हम लोग कहते थे कि थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट होता है, तो जो टोट आई मीन फाइनल मैग्निफिकेशन होता है, उन दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये दो लेंस है, इन दोनों ने जो मैग्निफिकेशन बनाया, यानी कि फाइनल जो इमेज आया और इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है, दैट मैग्निफिकेशन लाइक ए बी डबल एस ए डबल एस अपॉन ए बी किया जाए, ये फाइनल इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट किया जाए, और दोनों तरफ किए और ये मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का ने जो मैग्निफिकेशन दिया और जो आई पीस ने मैग्निफिकेशन दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन अगर कोई पूछे तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और आई पीस का पूछे तो साइज ऑफ इमेज दैट इज दिस अपॉन दिस। तो बात तो सेम है ना, यही होगा ना भाई, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक फॉर्मूला कह लो और रिमाइंडर कह लो, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए। ये मैंने स्फेरिकल केसेस में, आई मीन जो लेक्चर नंबर 11 था, वहां पे मैंने आपको ये सब चीज पढ़ा रखी है, ठीक है ना, 11 और 10 के अंदर आप देख लेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे, यानी कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एलईडी भी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका एम की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। सो अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन डाल करके आगे बढ़े तब क्या होगा जी, सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, आप रखो जी यूजिंग साइन कन्वेंशन चलते हैं। यूजिंग साइन कन्वेंशन आपके पास क्या आ गया जी, यू नो दैट कि जो ये मैग्नीफाइंग पावर है ये लिनियर मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन के बराबर है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। अगर नहीं होता तो ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं, लिनियर मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वो भैया एंगुलर मैग्निफिकेशन है, बीटा अपॉन आल्फा है। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन इफ यू गो फॉर इट हियर, तो ए डैश बी डैश के लिए आप क्या लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग माइनस वी ओ, और इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस वी ओ, और इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस यू ओ, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, सो यू विल बी राइटिंग भाई, क्योंकि दोनों एक ही है और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, सो यू विल बी राइटिंग माइनस वी ई एंड दिस इज माइनस यू ई, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। ये माइनस माइनस कट गया जी, और ये माइनस बच गया, यानी कि द सेम इज इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला क्या है, वी ओ अपॉन यू ओ और इनटू वी ई अपॉन यू ई, दैट्स हाउ द फॉर्मूला इज। अब ये जो आपने नोटिस किया कि इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया, ये इसने अपने फोकस के अंदर रख करके इसका इमेज बनाया, यही केस सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में। और फिर हम लोग उसका मैग्निफिकेशन कैसे लिखते थे, वी यूज टू राइट 1 प्लस डी बाई एफ, करेक्ट। तो इसका मतलब कि आई पीस के लिए, फॉर आई पीस, और आई पीस अगर हम आई पीस की बात करें, तो दिस वी ई अपॉन यू ई करने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाएगा, करेक्ट। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी देयर, 1 माइनस डी बाई एफ ई आएगा बाद में हम वहां पे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कैसे देखोगे, चलो अगर आप ये देखना चाहते हो तो हाउ कैन यू डू इट, लेट्स सी। सो अगर आई पीस के लिए आप करोगे तो आप कहोगे ओके भाई विल डू इट लाइक दिस, एक मिनट, फॉर सपोज हम इंटरेस्टेड है फॉर आई पीस, आई पीस में हम इंटरेस्टेड है, और हमें पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है भाई। सो वी के जगह पे आपने क्या लिख लिया, वी के जगह पे आपने लिखा
by 1 by V E kaisa minus where minus minus what U E and that is equal to what 1 by F E. So this comes out what ye plus ho gaya 1 by U E ho gaya and minus 1 by V E ho gaya and is equal to 1 by F E ho gaya. Correct? No, ye आपको मालूम है ना ये यू ई है और ये वी ई है. तो आपको तो भाई अब इसमें यहाँ पे चले जाओ, मैंने इस स्टेप से यहाँ आ जाओ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग 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 वी ई बोथ साइड्स बोथ साइड्स. ये क्या आ गया आपके पास? तो दिस इज वी ई अपॉन यू ई and this is minus 1 and that is equal to 1 by VE by FE, correct? So this VE upon UE is equal to VE upon FE plus 1. So finally it is now what? So 1 plus VE upon FE. So VE upon UE ki value sign convention dal diya humne, to ye aa gaya. Ab agar aap yahan pe minus rakhte, theek hai na, abhi aapne, और अगर सपोज करो आप यहाँ साइन नहीं डालते, लेट सपोज आप साइन यहाँ नहीं डालते, अभी आप इसको ऐसे ऑपरेट करो, थोड़ा सा बाद में साइन रखो, नहीं तो ये अभी मत करो. सपोज आपने सिर्फ नोटेशन डाला है, साइन नहीं डाला, तो ये क्या बना जी? ये ऐसे ऐसे रखा, फिर यार ये जो टर्म है यू ई वाला जो टर्म है और ये 1 बाई एफ ई है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ऐसे समझें, इस टर्म को यानी कि ये माइनस यहाँ रहने और इसको इधर लेके गए 1 by FE, 1 by FE, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज करिए. मैं ये साइन कन्वेंशन बाद में डालूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है. सो आई विल टेक इट लाइक दिस, लुक एट दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज, सो अभी हमने सिर्फ ऐसे लिखा, अभी कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज कि भाई ठीक है, 1 by VE और minus 1 by FE and that is equal to 1 by UE. करेक्ट, ऐसे लिख दिया. अब मल्टीप्लाइंग वी दोनों तरफ कर दिया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई आ गया एंड दैट इज इक्वल टू वी अपॉन यू ई आ गया. दैट्स करेक्ट नो, ये आ गया रिजल्ट हमारे पास. सो वी ई अपॉन यू ई की वैल्यू आया कितने के बराबर, 1 माइनस वी ई बाय एफ ई. यानी कि ये आई पीस के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो ये आ गया. और वी ओ अपॉन यू ओ की बात करें तो भाई ठीक है, हम उसको भी चाहे तो फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आईपीस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव की बात करें, फॉर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम लोग ये प्रीफर करते हैं, वी राइट लाइक दिस भाई, दैट इज वी ओ अपॉन यू ओ, राइट? यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज, और हमें पता है कि वो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू राइट फॉर ऑब्जेक्टिव, यही मैग्निफिकेशन होता है, इस यहाँ पे साइन प्लस होता है. तो इसका मतलब कि ये एम ओ है और ये एम ई है और उसकी वैल्यूज क्या आ गई. सो दिस एम इज इक्वल टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट माइनस दिस इज एम ओ और व्हाट इट इज दैट इज एम ई एंड दिस यू आर गोइंग टू राइट माइनस वी ओ अपॉन यू ई यू ओ एंड दिस इज यू आर राइटिंग 1 माइनस वी अपॉन एफ ई. नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट, तुम कहोगे सर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वी ओ अपॉन यू हो गया, तो यहाँ भी जब आप रखने जाओगे, ठीक है ना, कि हमें पता है कि एक प्लस होता है और एक, चूंकि एम इज इक्वल टू आई मीन टू से दैट वी ओ हमारे लिए प्लस है, ये वी ओ इज प्लस और यू ओ इज इक्वल टू माइनस, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट आ गया. तो आप यहाँ पे इसके लिए आपने ये आपके लिए एम ओ हो गया, यानी आपने एमओ की वैल्यू तो लिखी ही थी वहां पे, तो सेम ही चीज लिख रहे हैं आप. यानी कि ये जरूरी नहीं था, इस स्टेप को करना कोई जरूरी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ. मतलब वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा, हम सिर्फ ये डील करना चाह रहे थे, राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग इज इसकी जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी हमने एमओ और ये ऐसे लिख दिया, हम इसको ना फोकल के फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, तो हमने ठीक है जी. तो अब हमारे पास एम क्या हो गया, सो दिस इज योर एमओ and that is minus v naught upon u naught, और इसको लिख सकते हैं 1 minus v e upon f e. अब ये formula आप जब use करोगे आप, तो आपको sign convention use करने पड़ेगा. When you are using this formula, use this formula
to get use this formula with sign convention, with sign convention to get final result. ठीक है ना, ठीक है जी। और अब अगर आप ये यूज करोगे, लेट सपोज बट साइन कन्वेंशन डाल दिया अगर आपने, ठीक है जी, तो वी नॉट की वैल्यू माइनस प्लस में रखोगे, यू नॉट को माइनस में रखो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि एम का मॉड करोगे तो ये क्या आएगा, वी नॉट बाई यू नॉट आ जाएगा। ये भी मॉड लगा दो और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस डी हो जाएगा, सो वन प्लस डी बाई एफ जीरो। तो ये जब यूज करो तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला डायरेक्टली कैन बी यूज टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन एलईडी एडजस्टमेंट। आपने नोटिस किया था कि जब हम ये पढ़ रहे थे इन फाइनाइट वाले केस में, किस वाले केस में, जो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो जब हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस किया था तो वहां पे क्या होता था, ये वन नहीं होता था, दिस ये मॉड ले लेते थे और डी अपॉन एफ लेते थे। तो दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से कंपेयर करके चलना चाहिए। वो बात समझ गए होगे आप, यस। तो ये जो कुछ पढ़ा है यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि फोर नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने क्या लिखा था, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट हमारा रिजल्ट निकल के आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एम का मॉड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट दिस, और यहाँ पे लिखा था हमने डी बाई एफ ई, ऐसे लिखा था। और फोर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, दैट इज एलईडीबी एडजस्टमेंट की बात करें, तो हमारे पास ये क्या आ गया जी, this has come like m is equal to v naught by u naught this 1 plus d by f something like this, this is what we have got it. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि जरा गौर से ये करने वाली बात है कि कितनी बार जो ये फॉर्मूला है ना, लाइक आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ बताओ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, उसका इमेज ऐसे बनाया गया, यानी कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ। सो यू नो दैट कि इस लेंस और इसका जो फोकस है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, ये एफ वन ई है और एफ टू ई यहाँ पे है, इसके और सीडेस और एफ टू ई के बीच में आपने रखा, और ये बड़ा नहीं है, तो दिस इज वेरी स्मॉल, और ये थोड़ा बड़ा होता है, मतलब वो अलग बात है, हमने रे डायग्राम में ऐसा नहीं दिखाया है, यानी कि इसको ये इसको और बड़ा करके यहाँ दिखाना चाहिए और इसके पास होना चाहिए। सो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हुआ भाई, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ लिया जाए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाए, तो भाई अलग अलग केस में, यानी कि इस केस में आप अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप याद होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमने उसको कहाँ रखा था, फोकस पे रखा था। तो अगर इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ लिया गया माइक्रोस्कोप, तो आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एल इज इक्वल टू पहले मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, सो हियर वी ओ और प्लस वो उसके फोकस पे बनता था, यानी कि ए सी, ये केस होता था लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का केस में, क्योंकि जो पहले लेंस से ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता था वो वी नॉट डिस्टेंस पे बनता था, और फिर वो एफ ई के फोकस पे, हमें दूसरे लेंस के फोकस पे होना चाहिए, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता था, तो ये होता था। और इस केस में अगर आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें, तो इस केस में अगर आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो क्या आएगा माइक्रोस्कोप, सो दैट इज एल इज इक्वल टू यू नो वी नॉट और प्लस यू ई, वी नॉट इज प्लस यू, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब यू ई की वैल्यू जो आप चाहो निकाल करके दिखा दो, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इमेज कहाँ बनना है। सो अगर कोई लेंथ पूछ ले यहाँ पे फर्दर, सो सी वन बाई मतलब आई पीस के लिए करें, वन बाई लाइक माइनस दिस, मतलब सपोज कर लो यू ई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिख दिया, और देखो जी ये गलत होने जा रहा है, सो इसको थोड़ा चेक करते हैं हम लोग, ऐसे लिखा वन बाई फोर आई पीस लिख रहे हैं, फोर आई पीस ध्यान से देखना है, ये फोर आई पीस वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, ठीक है, ऐसे लिखा। और फिर यहाँ पे बोला कि भाई वी तो हमारे को कहाँ चाहिए, माइनस डी, और
माइनस यू वी एंड आर इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, यू जे माइनस माइनस प्लस वन बाई यू ई हो गया, और ये क्या हो गया माइनस, ये इधर जाके क्या हो गया वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी हो गया। सो इसका मतलब सर ये डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई डी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यस दैट्स करेक्ट। इसका मतलब कि जो ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये वन बाई यू ई की वैल्यू है, वन बाई यू ई की वैल्यू है। सो यू ई इज हाउ मच, दैट इज डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हुआ, दिस एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गया या नहीं समझ गया? सो दैट्स वॉट द पॉइंट इज, यानी कि इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ऐसे निकाल दिया, इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ऐसे निकाल दिया, ये हमने दोनों लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी निकाल दिया। समझ गए आप लोग मेरी बात? तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी लिख लिया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी निकाल दिया। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कुछ भी था करना। और अच्छा एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई पूछे कि भाई ऑब्जेक्टिव छोटा क्यों और आईपीएस बड़ा क्यों, तो यू नो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को छोटा रखना होता है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के ऊपर या किसी छोटे से पार्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर इसका अपर्चर बड़ा होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अलावा आजू बाजू से भी लाइट हमारे पास आ जाएगी, तो जो इमेज बनेगा पता चला वो सराउंडिंग का भी इमेज साथ साथ बनने लगेगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इसलिए इसका अपर्चर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि सराउंडिंग स्पॉट से रेज ना आए, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से, पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास रे आए और उसको हम लोग मैग्निफाइड इमेज बनाने में यूज करें। क्लियर हो गया पॉइंट? और इसको चूंकि इसको लाइट गैदर करनी है इन सब जगहों से, तो थोड़ा इसको हम लोग बड़ा रखते हैं ताकि हम लोग इसको मैग्निफाई कर सकें और अच्छे से। सो दिस ऑल आइडिया इज क्लियर अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज किए जाएंगे, ये प्रोसेस, इसको डेरिवेशन कम समझना और इन सबको प्रोसेस समझना, कि और प्रोसेस समझोगे तो फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होएगा। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला ये मसला सॉल्व कर लिया। अब हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, वी विल गो फॉर टेलीस्कोप। सो वी आर गोइंग दिस लाइक टेलीस्कोप की बात करते हैं। सो दिस इज टेलीस्कोप का मतलब एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सी डिस्टेंट थिंग्स, लाइक टेली मतलब दूर और स्कोप का मतलब बड़ा करके देखना, यानी कि दूर की चीजों का बड़ा इमेज बना करके उसको देखना। सो दिस इज कॉल्ड दूरबीन, राइट? सो टेलीस्कोप लाइक डिवाइस यूज्ड टू सी सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो किसी दूर के ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो भाई दूर की चीजें देखने के लिए, यानी कि आप जिस ग्राउंड पे हैं, जिस लेवल पे है, उसी लेवल पे है, दैट इज टेरेस्ट्रियल, राइट? यानी कि अर्थ पे जो हम लोग दूर दूर की चीजें हैं, जैसे सपोज करो आप किसी पहाड़ पे खड़े होकर के और फील्ड में देख रहे हैं चीजों को, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज किया जाएगा। जो बायनोकुलर्स वगैरह टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज होता है दूर की चीजों को देखने में। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज टू फॉर हेवनली ऑब्जेक्ट। सो यूज फॉर हेवनली ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इसको हम किस काम यूज करते हैं? Used for distant objects. Used for distant objects on ground, on Earth surface. That's what the point is. ठीक है जी? Earth surface. That's how we think of it. तो astronomical telescope में भी दो adjustment होते हैं. That is normal adjustment. यहाँ पे एक होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है जी, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और फिर यहाँ पे होगा एक लाइक नियर पॉइंट और एलडीडीवी एडजस्टमेंट,
एंड हियर इफ यू टॉक अबाउट सिमिलरली, यहाँ भी नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा. नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज हमें इन्फिनिटी भी बनाना है, एंड एल डी डी वी एडजस्टमेंट, दैट्स वॉट द पॉइंट इज. सो विल टॉक वन बाई वन. जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि हमने ऑब्जेक्टिव छोटा रखा था और आईपीस थोड़ा बड़ा किया था, यहाँ पे उल्टा रखना पड़ेगा, हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा रखना पड़ेगा और आईपीस हमें छोटा रखना पड़ेगा. सो दिस इज, ये बात हमने बता दी, सुन लिया आपने. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिया और ये आईपीस है. इस ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस है, और इस ऑब्जेक्टिव और आईपीस को हम एक सेटअप के अंदर रखते हैं. लेट्स टॉक लाइक दिस. हमने सपोज कर लो कुछ इस तरीके का सेटअप यूज कर लिया, मतलब जैसे कि वहां का माइक्रोस्कोप के अंदर भी अरेंजमेंट होता था कि एक के अंदर दूसरा स्लाइड कर सकता था, तो यहाँ भी ये अरेंजमेंट लगा होगा, एक के अंदर दूसरा स्लाइड कर सकता है. ठीक है, इस तरीके से इनकी स्लाइडिंग हो सकती है एक दूसरे के साथ साथ. लेट सपोज मैंने एक, समझ गए. सो आई मे यू अंडरस्टैंड कि दिस पार्ट, ये चीज के अंदर ये ऐसे जा सकती है, इसके साथ ये लेंस भी जा सकता है ना, ये लेंस भी ऐसे ट्रेवल कर सकता है. समझ गए मेरा बात, मेरा पॉइंट था, राइट. अब हमने क्या किया यहाँ पे, हम इस ऑब्जेक्टिव पे, चूंकि दूर, ये जो बातें बताई जा रही है इसको बहुत ध्यान से सुनना है, दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की, ये जो रेज मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ी देर हटाऊंगा मैं, ठीक है ना, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ बट ये सब गलत है. सो लेट सपोज दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, और उस दूर ऑब्जेक्ट से, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लाइट रे आ रही है, वी आर कंसीडरिंग लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही लाइट रे ना, ऐसे मानते हैं. और ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे, ये इसको हम ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखें तो ज्यादा अच्छा रहे, लाइक दिस. और आई एम सेइंग कि ये ऐसे और ऐसे फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगी. तो दूर पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे कैसा इमेज मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगा भाई. जैसे सन है और मून है, तो सन और मून तो पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उनका कुछ साइज नजर आता है हमें अपने ग्राउंड से भी. स्टार की बात करें तो ऑलरेडी एक पॉइंट इमेज की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से. तो हमने इस लेंस से फिर कोई मैग्निफिकेशन तो किया नहीं, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके नहीं चलते. ये जो आपने सुना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके नहीं चलते, फिर क्या करते, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि देखो जी ये लाइट रे ऐसे आ रही है, वी आर कंसिडरिंग दिस लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस टू बी डील विद दिस. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ये सेटिंग करते हैं इसको, तो ये थोड़ा ना ये पूरा सेटअप मतलब एक सर्टन एंगल पे होता है, तो इस पे दूर से जो लाइट रे आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, यानी कि कुछ इस तरीके का सेटिंग होता है, ये समझने वाली बात है. लेट सपोज एक लाइट रे ऐसे आ रही है, इट इज लाइक दिस, ये लाइट रे आई, ठीक है. फिर एक दूसरी लाइट रे हमने कंसिडर की, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. एंड फिर एक तीसरी लाइट हमने कंसिडर की यहाँ से, एंड द थर्ड लाइट रे इज लाइक दिस. और ये लाइट रे यहाँ से यहाँ कन्वर्ज हुई, ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ज हुई, ठीक है जी. हम इसको और दूर भी ले जाके दिखा सकते थे, यानी कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, लेट सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू सी हियर, यहाँ पे बनाने में इंटरेस्टेड, तो मैंने इसको पकड़ा, ये इसको लिया, बोला जी देखो ये लिए, इसको पहले खींच के यहाँ लेके आए, और फिर इस, यस लाइक दिस, और फिर इसको यहाँ से वे देख, तेरे को ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गया इस जगह पर, ठीक है जी. सो दिस इज हाउ दे आर, वी बिलीव दैट दे आर, दीज आर रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. सो नाउ द पॉइंट इज,
ये अगर इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे नहीं आई, बल्कि कैसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक थीटा एंगल बनाते हुए आई। दिस एंगल इज, हम इसको भी फिलहाल ऐसे दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे जो दिखाना होगा, ठीक है ना, फिर कभी ऐसे दिखा दें। तो ये जो लाइट रेज आई इसके ऊपर, इसको बड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि दूर से आना है ना, तो थोड़ा इसका प्रेशर बड़ा होगा तो कुछ रेज ये अपने अंदर लेके आ पाएगा। इसको लाइट गैदरिंग पावर इसकी होनी चाहिए, इसकी लाइट गैदरिंग पावर होनी चाहिए ताकि ये लाइट को कुछ गैदर कर सके। अब ये लाइट रेज यहाँ पे आकर के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती तो फोकस पे होती, यानी कि इस जगह पे कन्वर्ज करता, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सर्टन एंगल पे आ रही है, तो ये भी उसी फोकस से पास करता हुआ जो प्लेन है उस प्लेन में कहीं पे कन्वर्ज किया। तो मेरा पॉइंट सुना आप लोगों ने, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो फोकस पे होती, लेट सपोज यहाँ कन्वर्ज करती, लेकिन चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सर्टन एंगल पे आ रही है, तो ये फोकस से पास करता हुआ प्लेन है और इस प्लेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज मिलेगा। ये एक पॉइंट था कहना, अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ हमें इमेज मिला और इस इमेज को, ये जो हमारा इमेज है, इस ये जो हमारा इमेज मिला यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब हेवनली ऑब्जेक्ट्स है वो हमें उनका इन्वर्जन का कुछ पता ही नहीं चलता कि टॉप किधर है बॉटम किधर है। लाइक आप चांद को उल्टा देखोगे, सूरज को उल्टा इमेज बनाओगे तो कैसे, मतलब उसका इन्वर्जन देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, पता भी नहीं चलेगा। सो अगर ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिलहाल जितना साइज में था वो उससे बड़ा इमेज हमें बन गया। और ये डिस्टेंस कितने के बराबर होना चाहिए, वो इस लेंस का यहाँ से यहाँ, यानी कि इस लेंस का ये फोकस है, ये ऑब्जेक्टिव फोकल फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसका ये फोकस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा। सो दिस पॉइंट वी आर राइटिंग एज F1O, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फर्स्ट फोकस है, ठीक है जी। और ये लेंथ हमारे लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट इट, ये वाला डिस्टेंस की बात करें तो दिस डिस्टेंस इज एफ, ये जो हमारा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज F1O, मतलब हमने ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकल लेंथ ये है हमारे पास, और ये पॉइंट F1O लिख दिया गया जी, दिस इज इन कैपिटल रिटन हियर, कैपिटल है और वो स्मॉल लिखा हुआ, फाइन। नाउ व्हाट वी डू इज कि ये जो लेंस है, इस लेंस से इसकी दूरी, मतलब अगर नहीं ऐसा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट किया, सपोज मैंने इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट किया, इस जगह पर लेके गया, और इस तरीके से करके इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इस इमेज को, ये जो इमेज बना है, इस दूर वाले ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज बना, जो इसके फोकस पे बना है, हम इसकी पोजीशन ऐसा रखना चाहते हैं कि वो इस लेंस के फोकस पे हो। तो भाई इसके लिए इस लेंस को आगे पीछे करके और इसके फोकस पे रख सकते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो लेट सपोज मैंने इसको थोड़ा ठीक थोड़ा सा पीछे किया और ऐसे करके बोला, अब जी अब इसके फोकस पे आ गया, मतलब आगे पीछे कर सकते, तो इसको आगे पीछे करेंगे मतलब ये आगे पीछे होगा, यानी कि दिस विल गो लाइक दिस, दिस विल गो लाइक दिस, समझ गया ना मेरी बात। ऐसे आगे पीछे करके हम लोग यहाँ पे इसके फोकस पे ही पड़ना चाहिए, यानी कि द सेम पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारे सामने है वो इस लेंस का जो कि आई पीस है उसका ये एफ टू होना चाहिए, यानी कि दिस पॉइंट इज एफ टू ई, यानी कि इस लेंस का सेकंड फोकल लेंथ होना चाहिए, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये कितने के बराबर होना चाहिए। इफ आई हैव टू टेक दिस, सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज नाउ आई एम राइटिंग इट, दिस डिस्टेंस इज F2E, यानी आई पीस का ये फोकल लेंथ है, ये सेकंड फोकस है और ये इसका सेकंड फोकल, आई मीन फोकल लेंथ होगी। अब ऐसा रखने पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो कैसे बनाएंगे वो, ये इन्फिनिटी पे इसका इमेज, तो भाई यहाँ से एक रे चलेगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, इंसिडेंट करेगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो सीधे सीधे ये आई पे जाएगा। सो आई विल टेक वन रे हियर एंड दिस रे फ्रॉम हियर गोइंग लाइक दिस ऑप्टिकल सेंटर से और चला गया जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला गया, हमने इसको दिखा दिया।
एक रे तो और उसके ऑप्टिकल सेंटर से गया, ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो वो जा करके आंख पे कन्वर्ज किया, ठीक है ना, आफ्टर आई मीन इट हैज नॉट गॉट एनी रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इस रे को हम चाहे तो पीछे ले जा सकते हैं, और हमें ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिलहाल इस रे को पकड़ के जितना पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ मैंने कर राइट और अब या ना व्हाट आई एम सेइंग इज ये ना थोड़ा ये लेंस के अंदर से जा रहा तो ठीक ठीक नहीं लग रहा, तो इसको ऐसे 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 यहाँ तक दिखा रही, ठीक है जी, ऐसे। और अब कहा हमने यहाँ पे एक दूसरी लाइट रे इस पॉइंट से चली, इस जगह से एक लाइट रे ऐसे गई, ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे जो गई यहाँ से भाई जितना ये डिस्टेंस है उतना ही दूरी पे इधर फोकस होना चाहिए, तो उसको भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गया और बोला जी कि वो इसके फोकस से होके गुजरेगी। तो लेट सपोज मैंने दूसरी रे कुछ इस तरीके से ली भाई, आई हैव टेकन अदर सेकेंड रे फ्रॉम हियर ऐसे, तो जितनी दूरी इस पॉइंट पे है यहाँ पे एफ मतलब जो इस लेंस का जो आई मीन आई पीस का जो ये सेकेंड फोकल लेंथ है, उतनी दूरी पे इधर क्या होगा भाई, जितना बड़ा ये डिस्टेंस है, ध्यान से देखना क्या कितना बड़ा डिस्टेंस है। सो यू नो दिस डिस्टेंस इज ये जितना बड़ा डिस्टेंस है ना, इतने डिस्टेंस पे यहाँ से इधर, यानी यहाँ कहीं पे इसका फोकस होना चाहिए, यानी इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक रे जाएगी, इस पॉइंट पे जाके कटना चाहेगी, और वो उसके पहले ही क्या होगा हमारे आंख पे आएगा। सो अंदाजा लग गया कि यहाँ पे कहीं पे, तो मैं एक रे लेता हूँ यहाँ से और बोला जी हेलो ये एक रे आप ऐसे लीजिए, और ये भी आंख पे गई इस तरीके से, करेक्ट। मैंने अब यहाँ से इस वाली रे को हटा दिया, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। और ये जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से ऐसे जा रही है, इसको पीछे लेके आए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस ओके। अब आपको देखिए कि आपको दिखाई क्या देगा, लेट्स सी हाउ डू यू फाइंड। अब मैं जो ये रे ऐसे इंसिडेंट की और ऐसे इंसिडेंट की, ये रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट किया, दिस रे इज इंसिडेंटिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, गोइंग इंसिडेंटिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, ठीक है जी। और ये रे आंख को कैसे लग रही है, कहाँ से आती हुई नजर आ रही है, दिस रे इज कमिंग लाइक ओके इट इज कमिंग फ्रॉम लाइक कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इस पोजिशन को, यानी कि दिस इज टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी कि फ्रॉम इंफिनिटी, इसको लगेगा कि फ्रॉम इंफिनिटी ये लाइट रे आ रही है। सो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, दूर इंफिनिटी पे एक बड़ा सा इमेज बन जाएगा, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो बच्चा मैंने यहाँ पे आपको रे डायग्राम समझा दिया, कैसे रे डायग्राम मैंने बनाया है ये भी आप समझ गए हो, कैसे जुगाड़ लगा लगा के बनाया है, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अब क्या हुआ हम लोगों ने सेटअप कर लिया यहाँ पे, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे, सारी सेटअप समझ में आ चुकी है हमें। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, तो अब इसमें हमें मैग्नीफाइंग पावर जानना है, वी नीड टू हैव अ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जानना है, तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, सो विल राइट हियर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है जी। सो मैग्नीफाइंग पावर को इट इज और एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है जी, सेम बात है। सो नाउ इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by image
at I through the angle subtended by object at I when image and object, both are at infinity. क्योंकि हम इस एडजस्टमेंट में एलडीडी पे तो कुछ रख ही नहीं रहे, तो भाई इन्फिनिटी पे दूर पे ऑब्जेक्ट है, हम उसका एक बहुत बड़ा सा इमेज बनाते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और उस बड़े इमेज को देख करके फिर, क्योंकि पास कहीं बनाएगा तो बहुत बड़ा नहीं बनेगा, हम बहुत बड़ा इमेज बना करके मैग्निफाई करके हम उसको देखते हैं. तो इन्फिनिटी पे जो ये इमेज बना वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल. तो ये एंगल जो होगा इसको हम कहेंगे बीटा. और इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्टिव पे एंगल बनाएगा, और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर वो आई पीस पे जो एंगल बनाता है या आंख पे जो एंगल बनाता है, बात क्या ऐसे, अगर ये सब कुछ हटा दो और यहाँ तुम्हारी आंख होती तब भी ये वैसे ही एंगल बनाता ना भाई. सो आई पे एंगल बनाने का मतलब इस केस में ऑब्जेक्टिव पे एंगल बनाने की बात हो रही है, क्लियर है पॉइंट. तो दिस एंगल इज अल्फा, इसको अल्फा कह दिया. सो बाय डेफिनेशन वॉट m is equal to beta upon alpha, ठीक है जी, beta upon alpha, clear है. Since beta and alpha are very small, वो छोटे है भाई, therefore this m is equal to tan of beta upon tan of alpha. क्यों छोटे हैं tan beta और alpha, चूंकि ये अपर्चर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो ये एंगल बहुत बड़ा होने वाला नहीं है. सो बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस. अब हम जब इसको आगे बढ़ाते हैं टेन बीटा बाई टेन अल्फा, तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो लेटरल मैग्निफिकेशन वाला टाइप है, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बराबर आ जाता है, ठीक है जी. फिर उस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो मैग्निफाइंग पावर है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर हो जाता है, कोई बात नहीं. ये तब तक चल रहा है जब तक कि पर्चर छोटे हैं, दैट्स व्हाट द पॉइंट. तो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाल पाएंगे, तो इस स्पेस को यूज कर लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो हमने वी आर गोइंग टू यूज दिस स्पेस, ठीक है जी. तो लुक एट दिस हियर, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो एम आपने लिख दिया टेन बीटा बाई टेन अल्फा, अब क्या करते हैं, टेन बीटा कहाँ से निकालेंगे, तो सी दूर कहीं ऑब्जेक्ट था उसका यहाँ पे एक इमेज मिला है. सो दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज बी, एंड दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज ए, दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज सी वन, एंड दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज सी टू, ठीक है जी. तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी ए सी टू, तो टेन बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, विल बी राइटिंग ए बी अपॉन ए सी टू, करेक्ट. And from right triangle, कौन सा, बी ए सी वन, टेन अल्फा इज हाउ मच, टेन अल्फा इज हाउ मच, दैट इज ए बी अपॉन ए सी वन. सो एम इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा करोगे तो दैट इज ए बी अपॉन ए सी टू, एंड देन ए बी, और ये जो ए सी वन नीचे था वो ऊपर चला गया, तो फाइनली कट के क्या आ गया, ए सी वन अपॉन ए सी टू. So this m is how much now? AC1 upon AC2 करने गए. AC1 क्या बराबर है? This is the focal length of the objective, so it is A4, and this is A3. तो भाई ये formula आ गया आपके पास magnifying power सीधा, क्योंकि दोनों का focal length positive ही है, कि minus लिख देना कि ये इधर है ये इधर है, यानी इसको plus लिख दिया इसको minus लिख दिया. No, convex lens से focal length positive लेते हैं. समझ गया? So this is how we have done it. तो ये एक तरीके से हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कर दिया, और मैग्नीफाइंग पावर भी पढ़ लिया. नाउ वी नीड टू डू नियर पॉइंट का जो एडजस्टमेंट है, एलईडीबी एडजस्टमेंट, अब हमें वो करने की जरूरत है. सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड मेक द डायग्राम एंड देन डू इट. सो नाउ वी कैन डू दिस पार्ट.
तो हमें नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और एलईडी भी एडजस्टमेंट करना है टेलीस्कोप के अंदर। तो फिर अगेन दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, और ये आपको यहाँ भी मैंने बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, दिस इज आईपीस। ये तो सिमिलरली लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा एंड दिस इज आईपीस, दिस ये मैं जरा थोड़ी देर बाद लिखता हूँ। ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है ये तो इन शॉर्ट इफ आई हैव टू रिपीट कि भाई ठीक है ये एक ऑब्जेक्टिव है, दिस इज आईपीस, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और ये है आईपीस है, और दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस, आईपीस और यू नो दैट कि ये इस ये दोनों कुछ इस तरीके से फ्रेम में लगे हुए हैं कि आप चाहे तो इस पूरे सिस्टम को आगे पीछे इसमें स्लाइड करा सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के सामने दूर से एक पैरल बीम आई, एक सर्टेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना करके, और फिर फोकल प्लेन में यहाँ पे इमेज बना दिया, और दिस ऑब्जेक्ट दिस विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और हमने इस लेंस से इसकी पोजिशनिंग कुछ ऐसे कर दी वह ये डिस्टेंस यू ई के बराबर हो लाइक दिस, और इसका फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ पे बन जाए, और वो कितने डिस्टेंस पे बन जाए, सो वी वांट दैट ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी डी के बराबर। तो ठीक है भाई अगर ये डी के बराबर होना चाहिए तो हमने यहाँ पे देखे थे कि दिस इज डी, डी के बराबर हमें इस जगह से इमेज मिल जाना है, तो दैट्स वॉट वी हैव डन इट नाउ। अब ऐसे केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना पड़ता है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज अगेन अल्फा, और ये एंगल अगर हमारे लिए बीटा है, ठीक है जी, ये एंगल हमारे लिए बीटा है, ऐसे लिख दो, ये तो बहुत एक दूसरे से चिपक गए, तो इसको यहाँ से हटा के, और ये बीटा एंगल हम लोग जो दिखा रहे हैं थोड़ा साफ सुथरा तरीके से दिखा दें, कि आप ये मान लो ये अल्फा एंगल मान लिया, ये वाला एंगल आप कह दो बीटा है, दिस इज बीटा, ओबियसली द सेम एंगल विल बी बीटा, ये कह लो या ये कह लो सेम बीटा हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो अब अगर यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर पढ़ने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना रहे हैं, डी पे बना रहे हैं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। सो मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करें, सो लेट सी मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर 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 और एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब बहुत बार लिख लिया अब आगे नहीं लिखूंगा बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by image at I when image is at infinity to the angle, oh image is at infinity, मैंने कह दिया ये गलत हो गया, image is at near point right, image is at near point, image is at near point, that is LEDV, image is at near point to the angle subtended by object when object at I, when object is at infinity, चूंकि अब कोई रास्ता नहीं है ना यहाँ पे, आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे लाने का आपके पास कोई पोजीशन नहीं, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया, यानी कि दिस एम इज इक्वल टू, अगर देखें तो हमारे को मिलेगा क्या, सो बाय डेफिनेशन यू सी दैट एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दैट्स व्हाट द मैग्नीफाइंग पावर।
तो क्या हम इसका फॉर्मूला फिर हमें डिराइव करने की जरूरत है? नहीं, यस, तो वी नीड टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. सो लेट्स गो फॉर दिस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर. सो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे भाई? सो मैं यहाँ पे पहले से एक सेपरेटर यूज कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी. लुक एट दिस, यार आप एक सेपरेटर लगे. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हमें तो वी आर सेइंग दैट वी नो दैट, वी नो दैट एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, राइट? सिंस अपर्चर आर स्मॉल, बहुत बड़े नहीं है, देयरफॉर बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. वो अलग बात है कि इस केस में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आईपीस से बड़ा है. बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, राइट? देयरफॉर बीटा कैन बी रिटन एज टेन बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज टेन अल्फा. सो दिस एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन 10 अल्फा. नाउ हाउ विल बी चूजिंग दिस 10 बीटा एंड 10 अल्फा? तो अब यहाँ पे ट्रेंगल हमारे पास है, 10 बीटा लेने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? ये एंगल बीटा है या ये एंगल बीटा है, तो आर बी ए सी टू ले लो, या बी डैश ए डैश सी टू ले लो. दिस पोजिशन इज बी डैश, दिस इज ए डैश, बी डैश ए डैश सी टू कर लो या बी ए सी टू कर लो. और जो ऑब्जेक्ट ने आई पीस पे बनाएगा एंगल, वही एंगल वो किस पे बनाएगा? ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना? या जो आई पे बनेगा वही आई पीस पे बनेगा, वही ऑब्जेक्टिव पे बनेगा. बहुत दूर से कितना फर्क पड़ता है? दूरबीन के जो सामने वाले लेंस पे जो रेज सूरज से आकर के एंगल बनाएंगे, वही तुम्हारे यहाँ पे ऑलमोस्ट बनाएंगे. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, समझ रहे हैं मेरी बात में? सो ये हम अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं. तो आप अल्फा किससे चूज कर सकते हैं? बी ए सी वन से. सो दिस पॉइंट इज सी वन, दिस पॉइंट इज वॉट सी वन, ये सी वन हो गया, ठीक है जी? C1, this point is C1, and ये हमने C2 बता ही दिया आपको, and this is B and this is A, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? So I said that कि so now since 10 beta is equal to what, you can write BC2. बी ए अपॉन बी सी टू, यहाँ से ले ली बी अपॉन बी सी टू. और टेन अल्फा कैन बी रिटन एज व्हाट, बी ए अपॉन बी सी वन, ठीक है जी? सो एम इज इक्वल टू क्या आ गया? सो दिस इज बी ए अपॉन बी सी टू, बी सी टू, एंड दिस इज बी ए, राइट? एंड दिस गोज बी सी वन. सो फाइनली इट इज बी सी वन अपॉन बी सी टू. बी सी वन और बी सी टू है क्या? सो बी सी वन इज लाइक, ये तो फोकल लेंथ है भाई, चूंकि यहां से यहां तक इसका फोकल लेंथ होगा. सो यू नो दैट कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जहां पे ये इमेज बना है, राइट? ये जो इमेज बना है, ये है क्या चीज? ये इसके फोकस पे बना है. सो दिस इज F1O, मतलब ऑब्जेक्टिव का पहला फोकस है यहाँ पे. दिस पॉइंट इज F1O, और यहाँ पे ये फोकल लेंथ इतने के बराबर है. सो इसका मतलब यू कैन राइट दिस इज F1O, एंड BC2 को क्या लिखोगे? UE माइनस, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, एंड दिस इज प्लस. सो फाइनली दिस M इज इक्वल टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सो F1O अपॉन माइनस UE. अब ये 1-1 कौन लिखना चाहता है? ये 1-2 तो कोई लिखना नहीं चाहता, पता ही है कि ये ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ की बात करें. सो दिस M इज इक्वल टू इन जनरल FO अपॉन माइनस UE. ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है जी? लेकिन क्या इसको इसी फॉर्मूले में छोड़ सकते हैं? इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं? कैन वी लीव इट इन दिस फॉर्म? आंसर इज नो. तो हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करेंगे. तो अब देखो क्या करेंगे. सिंस, राइट, सिंस वन फॉर आई पीस, फोर आई पीस हम ये लिख रहे हैं, आई पीस लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं. वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, राइट? सो
minus 1 by u can be written as 1 by f minus 1 by v. So this is v minus f upon vf. है ना? So अब अगर आप इनकी values रखो तो ये क्या होगा, minus 1 by u को आप ue लिख दो, v को ve लिख दो, minus f लिख दो upon ve कर दो और fe कर दो, है ना? So आप यानी कि इसको ये लिख सकते हैं, 1 by u e को ऐसे लिख सकते हैं. Therefore m can be written as fo और फिर ब्रैकेट में ve minus fe upon ve fe, ऐसे लिख सकते हैं. अब कुछ लोग कह रहे हैं पता है कि सिंस v इज इक्वल टू हाउ मच बाय d के बराबर है, तो आप सीधा सीधा कुछ लोग इसको माइनस d कहेंगे लिखने के लिए. तो अभी मैं साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ, आई एम नॉट पुटिंग साइन. अभी इसको कुछ इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ, v इज इक्वल टू d. और अगर मैं रखूं यहाँ पे साइन कन्वेंशन, मतलब अच्छा ve d को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, दिस m इज कैन बी रिटन एज fo, और ये fe को इधर लेते आओ fe, और यहाँ पे क्या हो गया d माइनस fe अपॉन d. वी कैन राइट लाइक दिस. सो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, fo अपॉन fe, और फिर d बाई d कट के 1 माइनस fe बाई d लिख सकते हैं. दैट्स हाउ वी कैन राइट इट. अभी तक हम लोग इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन डालें क्या, नहीं डालें. सो नाउ अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इफ आई वांट टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, तो आई नीड टू लाइक दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड विद साइन कन्वेंशन टू गेट द फाइनल आंसर. सो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, दिस फॉर्मूला राइट, ये भाई थोड़ा सा ऐसे कट जाए, ठीक है ना. सो got it now. So I said that this formula should be used like this. So I said that this formula should be used, should be used with sign convention. With sign convention, get final result. Final result, okay जी. और अब अगर मान लो कि हम डाल करके ऐसे लिखना चाहते हैं, let's suppose हम numerical value निकालना चाहते हैं, यानी कि हम निकालना चाहते हैं mod. तो भाई ठीक है, fo upon fe this, और यहाँ पे d कितना होगा, -25, तो ये क्या हो जाएगा, solve होकर के 1 and plus fe by d, अगर हमने यहाँ साइन डाल दी. तो ये अगर यूज करना है, इफ दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड विदाउट साइन कन्वेंशन, समझ गए बच्चा लोग, करेक्ट. अब ना दोनों सेटअप में ना लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी पूछा जा सकता है. ये वाला जो सेटअप है इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा जाए तो क्या करोगे, ये एफ ओ है और ये कितना एफ ई है. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या बना जी, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई. ये फॉर्मूला हो गया बच्चा, भूलना मत, ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो गया इस केस में. और यहाँ अगर हम गए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने के लिए तो क्या है, एफ ओ प्लस यू ई, है ना. और यू ई की वैल्यू कितने के बराबर है भाई, वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है जी. सो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो लेंथ ऑफ, यहाँ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो. सो यहाँ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर पूछा जाए, लेंथ ऑफ इस केस में टेलीस्कोप बताओ क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, दैट एल इज इक्वल टू एफ ओ एंड प्लस यू ई का मॉड, यानी कि जो भी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो. ये मॉड आपको ठीक से दिखा कि नहीं दिखा, राइट. सो दिस इज आई एम राइटिंग हियर यू ई का मॉड, राइट, यू ई मतलब दिस वन, ये भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लेंथ ऑफ ई है. और यू ई कितने के बराबर है, जरा देखो यहाँ से, ये आप ऐसे निकाल रहे हो ना भाई. सो दिस इंप्लाइज, अगर गौर से देखें यहाँ पे, सो 1 बाई यू ई इज इक्वल टू व्हाट नाउ, और ऐसे
ये स्टेप यूज करें हम. लेट्स यूज दिस. सो यू ई इज इक्वल टू हाउ मच हियर, यू ई की बात करें. सो वी ई एफ ई अपॉन माइनस साइन को इधर डालो, एफ ई माइनस वी, करेक्ट. और न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको निकालना है. सो दिस इज प्लस डी एंड एफ ई एंड दिस इज एफ ई माइनस माइनस डी, यानी कि एफ ई प्लस डी. ये वैल्यूज आया यू ई की, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना. इट विल कम लाइक दिस, क्लियर पॉइंट. तो ये वाला रिजल्ट हम यू ई का यहाँ पे उठा के डाल सकते. क्या क्या आया, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई. सो दिस इज एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई. ये हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हुआ इस अरेंजमेंट में, क्लियर पॉइंट. अब एफ ओ बहुत बड़ा है और एफ ई बहुत छोटा है, तो सिंस एफ ई इज वेरी स्मॉल, तो यहां से क्या होगा, डी प्लस एफ ई में से माई, आर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. डी प्लस एफ ई में एफ ई बहुत छोटा है, तो भाई यहाँ से एफ ई तो हम गायब कर सकते हैं. सो ये डी प्लस एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी होगा, डी डी कट गया, एफ ओ प्लस एफ ई इसमें भी आ सकता है इस तरीके से, क्लियर है, अगर बहुत छोटा हुआ तो. सो ये हमारे पास लेंथ है. सो डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकाल सकते हैं. मैग्निफिकेशन कैसे निकालना जाना है वो तो आपको मैंने करके दिखाई दिया, जो मैग्निफिकेशन निकला वही मैग्नीफाइंग बार हो गया. तो आपने टेलीस्कोप का, समझ रहे मेरी बात, आपने आज में ये भी पढ़ लिया, ये टॉपिक कर लिया और ये भी कर लिया जी. अब आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप देखना है. सो यू नो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है क्या चीज, भाई आपको एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, चूंकि आपने देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक जो भी ऑब्जेक्ट है भाई, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा इमेज बन रहा है ना, उसका उल्टा इमेज बन रहा है. तो भाई वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, चांद 180 डिग्री से घूम करके हमें दिखाई दे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बट अगर आप सपोज कर लो किसी माउंटेन पे रख के और फील्ड में कोई ट्री है उसको देख रहे हो आप टेलीस्कोप से, और वो ट्री उल्टा दिखाई दे, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज उसको इंटरप्रेट करने में, मतलब दैट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन. और अगर उस पेड़ के आजू बाजू कुछ लोग दिखाई दे रहे हो और वो उनका उल्टा इमेज दिखाई दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम लोग बिल्कुल जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट है वही यूज करते हैं, बट वहाँ पे जो फाइनल इमेज हम लोग बना रहे हैं वो हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा नहीं चाहते, हम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा चाहते हैं. दैट इज वॉट वी वुड लाइक टू डू. यू गॉट माई पॉइंट. आई वुड लाइक दैट यू शुड सी हाउ दिस इमेज इज बींग बिल्ट अप हियर. सो लुक एट दिस हियर.
लोगों बच्चों यहाँ पे राइट ये जो सेटअप है इसको आप जरा देखिए ध्यान से. ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है. दिस इज ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव है. मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा पहले इस डायग्राम का और फिर तो दिस इज ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज आईपीस. दिस इज आईपीस एंड दिस इज इरेक्टिंग लेंस. दिस इज कॉल्ड सीधा करने के लिए यूज किया गया इरेक्टिंग लेंस. एक ऐसा लेंस जो इरेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो सी इसमें क्या किया गया है कि एक मतलब ये तीन तरीके के हमने लेंस ले लिए. ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस और यहाँ पे एक बीच में लेंस यूज किया गया. दैट इज कॉल्ड इरेक्टिंग लेंस. नाउ लुक व्हाट आई हैव डन हियर. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा सा. वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ करके जो रे उस पे बीम ऑफ लाइट आके इंसिडेंट करी है लेंस पे, तो ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है इसलिए रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, और ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है. ये फोकल प्लेन है. तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितने के बराबर है? ये इसके फोकल लेंथ के बराबर है. दिस वन इज द फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? विल सिंपली राइट दिस इज एफ ओ, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हो गया. ये एफ ओ है. क्लियर हो गया पॉइंट? इसके फोकस पे बन गया और इस पॉइंट का नाम रख दिया एफ वन ओ. करेक्ट. ये जो लेंस है इस लेंस का एक फोकल लेंथ है और वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का आधा है. ये इसका फोकल लेंथ है और ये इसका 2f है. तो अगर ये यहाँ से यहाँ अगर f है तो यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 2f के बराबर है. सो विल से दैट दिस डिस्टेंस इज दिस पर्टिकुलर लेंथ डिस्टेंस इज 2f. ये कितना है? 2f के बराबर है. अगर इसका फोकस, इस लेंस का फोकस f है तो ये 2f के बराबर है और ये डिस्टेंस भी बेटा यहाँ से यहाँ तक जो तुमको दिखाई दे रहा है ये भी 2f के बराबर है. दिस वन, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना. तो मैंने ऊपर भी आपको 2f दिखा रखा है, यानी कि ये 2f है और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो f है. दिस इज f और ये 2f है. तो इस पिंक वाले की कोई खास जरूरत है नहीं, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं. और यहाँ पे ये जो हमें मिला दिस इज ऑल्सो 2f, राइट. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2f है. तो इस लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के किसी 2f, यानी कि यहाँ से ये 2f है, 2f पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? दूसरे साइड 2f डिस्टेंस पे बनेगा, सेम हाइट का बनेगा. तो देखो यहाँ से एक लाइट रे गई इसको ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करते हुए गई और ये लाइट रे सीधे बिना रिफ्रैक्ट किए चली गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई. तो इसके फोकस से होते हुए यू नो दिस इज ये डिस्टेंस कितने बराबर? f के बराबर है. ये डिस्टेंस यहाँ से f के बराबर है और ये 2f के बराबर. तो यहाँ इमेज बन गया. तो इफ यू नेम दिस ए बी तो यहाँ पे आपको क्या मिला? ए डैश बी डैश. साइज सेम है, ए डैश बी डैश. ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? एंड नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इमेज जो कि देखो इस लेंस के से ये इमेज बना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस लेंस के लिए ये इमेज हुआ. इस लेंस के लिए ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा. अब इस लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम कुछ ऐसे सेट करते हैं. यहां से यहां वाला जो डिस्टेंस है, मींस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज यू के बराबर है. कितने बराबर है? यू के बराबर है. सो वी कॉल इट यू ई, यानी आई पी से ये डिस्टेंस है. और ये फाइनल इमेज बन रहा है यहाँ पे. यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, दिस डिस्टेंस इज डी के बराबर है. यानी कि हमने इमेज कहाँ बनाया? डी पे बनाया. दैट इज सॉरी, हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहे थे. वी हैव टू डू नॉर्मल एडजस्टमेंट, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? एलडीडी भी एडजस्टमेंट कर दिया अरे डायग्राम के हिसाब से. तो हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कर रहे थे तो ये यहाँ से हटाया. विल से दैट नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है जी. सो दिस इज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट और एलडीडी भी एडजस्टमेंट कर गए. ये हम लोग केस नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है जी.
नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और एलईडी भी एडजस्टमेंट हमने कर दी। तो इस तरीके से हमें इमेज यहाँ पे मिल गया और इन रेज को हम क्या करेंगे, डॉटेड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रे ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो ये पीछे वाला पोर्शन है, तो इसको हमें डॉटेड दिखाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल इमेज क्या मिला, फाइनल इमेज हमें मिला ए डबल डैश, दिस पोजिशन इज ए डबल डैश एंड दिस इज बी डबल डैश, बी डबल डैश। सो इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट का आपको ये फाइनल इमेज बन गया। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। समझ गए आप? राइट, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट हियर। सो अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना होगा तो क्या करेंगे, तो विल सिंपली से दैट भाई देखो मैग्नीफाइंग पावर इसमें अगर हमें पढ़ना है, मैग्नीफाइंग पावर तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब पता तो है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल obtained by image at I when image is at LDDV and to the angle obtained by object, the angle subtended by object at I when object is at infinity. बस जो अरेंजमेंट है उसको लिख के, therefore m is equal to what? Now this angle is beta. अब इसको क्या लिखोगे? ये angle beta है, ठीक है? ये इमेज ने जो फाइनल इमेज बनाया, and this angle we can take it, this angle as alpha. Or this angle we can take it as alpha. That's what the point is. The same is equal to beta upon alpha. And beta and alpha छोटा होने की वजह से आप इसको 10 beta upon 10 alpha लिखेंगे. That's what you are going to write. और 10 beta आपको इस triangle से लेना होगा, ये से ले लो या वैसे ले लो. अब आप इसकी position को आप क्या लिख सकते हो? This you can write as a भाई यहाँ पे इस जगह पे आपने बोला कि ये हमारा C2 है और ये हमारा C1 है. This one is C1, जैसे भी लेना हो, या यार वॉइड से लिख लो, this is C2, right, and this is C1, this point is C1, so आप BA C1 के हिसाब से 10 अल्फा निकाल लो, और जो BA है वही इतना ही A' B' है, so you can write like 10 beta can be written as A' B' upon A' C2, or 10 alpha can be written as AB upon AC1, solve कर देंगे, तो क्या आएगा AC1 upon A' C2, correct? And A' B' क्यों कट गया जी? A' B' से भी क्यों कट गया? क्योंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं, इसलिए कट गया. जो आना था वो आ गया AC1 अपॉन A' C2. ठीक है बच्चा लोग, अब ये AC1 कितने के बराबर है? So AC1 is FO and this A' C' is what? UE के बराबर है. So we can write minus UE. That's what it is. So यानी कि M is equal to क्या हो गया? माइनस एफओ अपॉन यूवी. तो जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला था एफ अपॉन यूवी, ये वैल्यूज निकाली थी, सो फाइनली सेम रिजल्ट आ जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ, आई मीन माइनस नहीं हटा यहाँ से, एफओ, और ये रिजल्ट सॉल्व करके क्या लिखा था हमने, एफ ई वन माइनस एफ ई बाई डी. यानी कि अब ये साइन कन्वेंशन के साथ ये यूज करना पड़ेगा, और जब उनका मॉड लिखना है तो सीधा सीधा एफ ओ अपॉन एफ ई, और साहब जी ये 1 + FE/D, दैट्स व्हाट ये मॉड लिखना है. तो ये फॉर्मूला यूज करोगे कब? न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, यानी कि सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाल के आंसर निकालना है. यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो गया इस केस में? तो इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करोगे तो सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ये एफ ओ है, ये 2F है, ये 2F है, ये F, ये UE है. सो यू आर गेटिंग एफ ओ प्लस 2F प्लस 2F प्लस UE. सो दिस इज एफ ओ प्लस 4F
प्लस यू ए का मॉड, करेक्ट। और यू ई कितने के बराबर निकाला था हम लोगों ने, अभी तो कैलकुलेट किया था ना, दैट इज डी एफ ई अपॉन एफ ई प्लस डी, सेम डी एफ ई अपॉन एफ ई प्लस डी। सो दिस इज एफ ओ प्लस फोर एफ डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। मेरे ख्याल से आप समझ गए ना भाई। लेट मी यूज दिस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से निकल आया अलग अलग केस में। सिंपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट के बजाय क्या कर लिया, हम लोगों ने एलईडी भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, एक रे डायग्राम फिर से बनाना है और फिर आसानी से इसको खत्म कर देंगे। सो विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू ड्रॉ द डायग्राम। सो नाउ वी कैन डू दिस। सो रे लाइक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप करना था हमें, कौन सा एडजस्टमेंट करना था, वी हैड टू डू नॉर्मल एडजस्टमेंट। जो इन एलईडी भी एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया। सो दिस इज अ नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैंने रे डायग्राम बनाया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है एंड वी नो लाइक दिस लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एज अ पैरेलल बीम incidenting on this. After refraction, these light rays are converging here like this. ये rays ऐसे converge कर रहे हैं, these rays are converging here. ये हमें एक इमेज मिल रहा है इस लेंस के थ्रू ए बी, और इसको हमें क्या करना है, इरेक्ट करना है। सो हमने क्या किया, एक लेंस यूज किया जिसका काम सिर्फ इसको जितने साइज का उतने ही साइज का बना के बिना मैग्निफिकेशन के इसको सीधा कर देना है। तो हमने एक लेंस लिया इसको इरेक्टिंग लेंस का, इससे 2f डिस्टेंस पे हमने इसको रखा, यानी कि इसके c पे रखा, तो फिर ये उसका उतना ही बड़ा इमेज उतने ही डिस्टेंस पे जाके ऐसे बना दिया। यहाँ से एक लाइट रे इसको ऑप्टिकल सेंटर से गई बिना रिफ्रैक्ट किए हुए, बिना मतलब बेंड किए हुए, और फिर एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल गई, ये रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से होते हुए यहाँ पे बी डैश पे कन्वर्स कर गई। तो ये बी डैश ए डैश हमारे लिए क्या हो गया, इमेज हो गई इस ए बी का, दे आर ऑफ सेम साइज। और फिर हमने इसको क्या किया, इस लेंस का जो हमारा आई पीस है इसके, इसको और इसको क्या किया, आपस में एडजस्टमेंट कर दिया। जब एडजस्टमेंट किया तो इसको लेंस और इसके बीच का डिस्टेंस को हमने इस लेंस का जितना फोकल लेंथ था उसके बराबर का रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे पड़ा हुआ है और इधर से हम देख रहे हैं, तो हमें इसका इमेज कहाँ मिल रहा है, इन्फिनिटी पे। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से गई लाइट, सीधे चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये फोकस से होती हुई जाएगी। फिर इस आंख को लगेगा कि ये दो रे पैरेलल आ रहे हैं, तो इस आंख के हिसाब से ये इमेज कहाँ मिलेगा, राइट। आंख के हिसाब से इमेज कहाँ मिलेगा, तो आई विल फाइंड दैट कि ओके दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इस रेज को यानी आईज को ऐसे लगेगा कि दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। सो फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, दिस इज हाउ इट अपीयर्स, दिस इज हाउ इट विल अपीयर लाइक दिस, ठीक है। सो तो अब ऐसे केस में, राइट, दिस लेंस हैज डन नो मैग्निफिकेशन ना, इसने तो सिर्फ इन्वर्ट करने में किया, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज को सीधा करने के लिए काम किया, दैट्स व्हाट वी हैव डन इट। और ये फोकस पे रख के इसका इमेज हमने कहाँ पे बना दिया, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ा इमेज बना दिया। तो अब ऐसे केस में फिर जो मैग्निफाइंग पावर होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सो हाउ मैग्निफाइंग पावर शुड बी टेकन केयर। मैग्निफाइंग power, magnifying power. So it is magnifying power की बात करें तो it is defined as what? It is defined as ratio of angle subtended by maze at I to the angle subtended by object at I when maze and object both are at infinity. That's what the point is. इस केस में m क्या होगा, इट इज द सेम, सो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, पता ही है कि अल्फा बीटा छोटा है, राइट। टेन बीटा के लिए आप क्या लिख लेंगे, सो यू विल राइट a डैश b डैश
अपॉन ए डैश सी टू, ये सी टू मान लिया और ये सी वन मान लिया, एंड दिस इज ए बी अपॉन ए सी वन। तो सॉल्व करने पे क्या गया, दिस इज ए सी वन अपॉन ए डैश सी टू, करेक्ट। ए सी वन इज हाउ मच, दिस इज ए फोर, और ए सी ए डैश सी टू इज हाउ मच ए फी। तो दिस एम इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए फोर अपॉन ए फी, ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी, ए फोर अपॉन ए फी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर यू। सो नॉट अ बिग डील, आई नो, आई थिंक वी नो अबाउट इट। तो हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी पढ़ लिया बड़े अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। सबसे बढ़िया जो आई बना है, सबसे बढ़िया जो आई बना है वो कहाँ जाके बना, राइट सब। अच्छा पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस टू पास दिस पॉइंट दिस एंड दिस वी हैव डन, दिस इज वी हैव डन, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने वेल कवर कर लिए, राइट, सब पॉइंट्स हमारे को अच्छे से हमने कवर कर लिए, ठीक है जी। सो हियर आई वुड लाइक टू से दैट कि अब ना दो तरीके के टेलीस्कोप्स की हम बात कर सकते हैं, एक छोटे छोटे से, एक गैलीलियो टेलीस्कोप की बात कर सकते हैं और एक कैसेग्रन टेलीस्कोप की बात कर सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। सो लेट मी ऐड दोस टू पॉइंट्स। सो बच्चों एक रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप भी होता है जिसको हम लोग कैसेग्रन टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि जितने भी ये टेलीस्कोप्स हम लोगों ने पढ़े, लाइक ये जितने भी टेलीस्कोप्स पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, दिस ऑल आर रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स हैं। सो इसमें दो क्लास होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग और एक होता है रिफ्रैक्ट, ये होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो ये जो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये सब रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में, चूंकि इन सब के अंदर रिफ्लेक्शन हो, तो जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना। मैं चूंकि आई बिलीव दैट कि मुझे ये कंप्लीट कर देना चाहिए यहीं पे, और वो जो चीज़ है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो जितने भी ये रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप होते हैं, इन सब में क्रोमेटिक एबरेशन होता है, क्या, क्रोमेटिक एबरेशन, वॉट इज दिस क्रोमेटिक एबरेशन। तो क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब ये है कि ये ना एक व्हाइट ऑब्जेक्ट का व्हाइट इमेज नहीं बना पाते। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो लेंस होता है, इस जब हम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट ही बड़ा बनाते हैं, सो उसका अपर्चर अगर बड़ा लेते हैं तो ना वो फेंट इमेज देने लगता है, और उसके साथ दिक्कत ये भी है कि इतना बड़ा सा लेंस, इतने बड़ा अपर्चर का बना पाना, दैट इज अ कॉस्टली अफेयर, एंड एट द सेम टाइम कि लाइट रे जब उसके थ्रू पास करती हैं तो वो लाइट रे उस लाइट रे का, यानी कि वो अलग अलग हाइट पे आकर के लाइट रे आके इंसिडेंट करती हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अगर एक लेंस की बात करें कुछ इस तरीके से, लाइक टू से लाइक दस की ये जो लेंस है इसमें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास आती हैं उनका और जो दूर होती हैं उनका, उनका अलग अलग फोकस हो जाता है उसमें, और फोकस अलग अलग हो जाने की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत अपर्चर में फर्क होने की वजह से, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का, एक व्हाइट ऑब्जेक्ट का व्हाइट इमेज नहीं बन पाता, बल्कि कलरफुल इमेज बनने लगते हैं। यू गॉट माय पॉइंट, चूंकि ये जो लेंसेस बनाए जाएंगे वो एक्रोमेटिज्म होना चाहिए, वो एक्रोमेटिज्म नहीं हो पाता उसमें। सो क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में बस बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, चूंकि ये ना चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए अब इसको समराइज करना चाहिए। सो क्रोमेटिक एबरेशन, it is an inability to form white image of a white object। अगर कोई white color का object है तो आप उसकी white image नहीं बना पाते, that inability is called chromatic aberration, यानी कि उसमें आप colorful image बना देते उसको, and ऐसा ये हो जाता है क्योंकि व्हाइट लाइट जब आ रही है तो फिर भाई उसमें अलग अलग कलर हैं, उन अलग अलग कलर के लिए इसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वो जो फॉर्मूला 1/F = 1μ2 - 1/R1 - 1/R2 पढ़ते हैं हम लोग, लाइक 1/F = 1μ2 - 1/R1 - 1/R2। तो जब बड़ा अपर्चर का ये लेंस होता है ना, तो
फिर उसके अंदर एक्रोमेटिज्म नहीं हो पा रहा है, मतलब क्रोमेटिक एबरेशन उसमें हम दूर कर नहीं पाते हैं। और फिर क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ अलग अलग हो जाता है। तो फिर थोड़ा पास आने वाली जो रे होती है, जो रे पास आती है, लेट सपोज अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो रे यहाँ पे आई, जो रे इस जगह पे आई, जो रे इस जगह पे आई, जो रे इस जगह पे आई, तो इन सबको ना अलग अलग जगह पे फोकल लेंथ मिलने लगी। आई मीन दिस ऑल आर कॉन्सेंट्रेट कन्वर्जिंग एट अ डिफरेंट डिफरेंट दिस ऑल आर कन्वर्जिंग एट डिफरेंट डिफरेंट लेंथ। सबके लिए यहाँ पे फोकस अलग अलग हो जाता है। फिर उस सिचुएशन में ना अलग, कहीं पे ये कहीं यहाँ बन गया है, ये कहीं यहाँ जाके कन्वर्ज हो रहा है, और काइंड ऑफ लाइक ये कहीं और जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो फिर पता चलता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट का, एक वाइट ऑब्जेक्ट का कलरफुल इमेजेस बनने लगता है। फिर ये कोई फायदे की चीज नहीं है। सो ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की घटना यहाँ पे हो रही है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एबरेशन की वजह से हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा इमेज बना पाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो वी प्रीफर रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, टेली रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो वो बनता कैसे है, तो मैं आपको छोटा सा रे डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आप उससे अंदाजा लगा लेंगे, समझ। सो इट इज लाइक दिस कि सो वी प्रीफर रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। और क्या करते हैं लोग यहाँ पे, समथिंग लाइक ये एक सपोज कर लो ये पैराबोलिक मिरर है, दिस इज अ पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर है, और यहाँ पे एक दूसरा मिरर लग दिया है जिसका ये क्वेश्चन। देखो दूर से, किसी दूर से माने किसी भी हेवेली ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है, लाइट रे कमिंग लाइक दिस, लाइट रे कमिंग लाइक दिस, हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में करते क्या थे, दूर से आने वाली लाइट को गैदर करने के लिए अपर्चर बहुत बड़ा रखते थे। अब हम इसको जितना बड़ा रखना है रखेंगे, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है इसलिए क्रोमेटिक एबरेशन होने का कोई चांस नहीं है। अब ये लाइट रे जब यहाँ पे आ रही है, फिर चूंकि आपको यहाँ भी अपर्चर बड़ा चाहिए, तो आप थोड़ा पैराबोलिक मिरर बना लीजिए। तो पैराबोलिक बनाइएगा तो स्फेरिकल एबरेशन का भी चांस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं हम लोग, और इस पैराबोला का जो वन ऑफ द फोकस का ही करीब है, उसके आजू बाजू हम लोग एक दूसरा मिरर यूज कर लेते हैं। सो दिस मिरर इज सेकेंडरी मिरर, दिस ऑल सेकेंडरी मिरर, और ठीक है, और ये दिस वर्क एज अ प्राइमरी मिरर, ये आपके लिए प्राइमरी मिरर की तरीके से काम करता है, ठीक है ना। ये पैराबोलिक मिरर है, अब कॉनकेव है और पैराबोलिक मिरर की तरीके से काम करता है। अब ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट की, फिर वो लाइट रे ऐसे आएगी, फिर इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट की, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, राइट, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, सॉरी रिफ्लेक्ट करेगी, और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक लेंस रख लेते हैं, एक आईपीस लगा देते हैं, ताकि सीधे सीधे नेकेड आई से देखें तो बहुत सारी रेज यहाँ पे क्या होगी, पहुंचेंगे तो आई कैन बी डैमेज। तो यहाँ पे एक लेंस के सहारे हम लोग दूर से आने वाली रेज को इस जगह पे एंट्री करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा लेंस हमने ले लिया, राइट, दिस इज अ स्मॉलर लेंस वी हैव यूज्ड, और इस लेंस के थ्रू फिर जो काम हम वहां कर रहे थे बड़े बड़े लेंस के साथ, अब हमें बड़े लेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। सो इट हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट मस्ट रीड एनसीईआरटी। और देखो बहुत सारे वहां पे ना ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं कि यहाँ पे इस ऑब्जर्वेटरी में या इस जगह पे इतना बड़ा दूरबीन है, उसका ये अपर्चर है, इसका ये डायमीटर है, दिस ऑल इंफॉर्मेशन I cannot say it's meaningless, but I mean it is important, but at the same time you have to understand the principle that is more important. तो यहाँ पे एक इसका एडवांटेज क्या है कि ये आने वाली लाइट रे को यहाँ से रिफ्लेक्ट करके लेंस की तरफ भेजता है, और दूर से आने वाली रेस के लिए इसको जितना बड़ा करना चाहे हम, यानी कि इसका जो ये गैप है इसको जितना बड़ा करना चाहे कर ले, और पैराबोलिक मिरर है इसलिए यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन होने के चांसेस भी कम हो गए। दिस इज वॉट द पॉइंट इज, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा, स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा, हम जैसा इमेज चाहते हैं वैसा भी होगा, और फिर ये कॉस्टली भी नहीं है, और उन लेंसेस को हैंडल करना, यानी कि जो बड़े बड़े टेलीस्कोप के हैंडल करने के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा कन्वीनियंट है इसको यूज करना, राइट, एनसीईआरटी, राइट। इसके साथ मैं आपका ये टॉपिक खत्म करता हूँ, और अब आप इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको सब पढ़ा दिए गए, अब आप इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए, उसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप प्रमोटिंग, कीप कमेंटिंग, थैंक यू, बाय बाय।